क्या आपको पता है उत्तराखंड में क्यों बढ़ रही हैं बादल फटने की घटनाएं? उत्तराखंड में हर साल बादल फटने से आई बाढ़ के कारण लगभग हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। यहां हर साल बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे जान माल की हानि तो होती है, साथ ही चार धाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्यों उत्तराखंड में लगातार बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के डाटा का आकलन करने पर पता चलता है कि पूरे मानसून सीजन में बारिश तो एक समान रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इस दौरान किसी एक जगह एक दिन में 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश रिकॉर्ड होती है। यानी जो बारिश 7 दिन में होती थी वो 3 दिन में हो जा रही है। साथ ही जो मानसून सीजन जून से सितंबर तक एक समान होता था वो अब जुलाई अगस्त में सिकुड़ रहा है। यानी कि जो बारिश 4 महीने होती थी वही बारिश 2 महीनों में होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। वाड़िया इंस्टीट्यूट के जियो फिजिक्स विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार कहते हैं कि निश्चित तौर पर बादल फटने की घटनाएं पिछले एक दशक में बढ़ी हैं। उत्तराखंड में पहले भी बादल फटते थे, लेकिन वो दुर्गम इलाकों में किसी गांव में ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं होती थी जिसमें नुकसान भी इतना अधिक नहीं होता था, लेकिन अब बहुत सारे बादल एक साथ एक जगह पर फट रहे हैं जिससे काफी नुकसान हो रहा है। डॉक्टर सुशील कुमार के मुताबिक टिहरी बांध के अस्तित्व में आने के बाद इस तरह की घटनाओं में खास तौर पर इजाफा हुआ है। टिहरी में भागीरथी नदी पर करीब 260.5 मीटर ऊंचा बांध बना है, जिसका जलाशय करीब 4 क्यूबिक किलोमीटर का करीब 32 लाख एकड़ फीट में फैला है, जिसका ऊपरी हिस्सा करीब 52 वर्ग किलोमीटर का है। जिस भागीरथी नदी का कैचमेंट एरिया यानी जलग्रह क्षेत्र पहले काफी कम था, बांध बनने के बाद वो बहुत अधिक हो गया है। वाड़िया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक के मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में एक जगह पर पानी इकट्ठा होने से बादल बनने की प्रक्रिया में अत्यधिक तेजी आई। मानसून सीजन में बादल इस पानी को संभाल नहीं पाते हैं और फट जाते हैं। पूरे उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। नदी का प्राकृतिक बहाव रोकने से प्रकृति मुश्किल में आ गई है, इसलिए बादल फटने की घटनाओं में तेजी आई है।